जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 सितंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ तमाम ठगी प्रकरणों के संदर्भ में विशेष सूचनाएं आप सब तक पहुंचाने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे, बहुत छोटा सा वीडियो है दोस्तों। और तमाम लोग, चूँकि आप लोगों को सबको ताज़ा अपडेट चाहिए होती है अपने अपने ठगी स्कैम्स के संदर्भ में, तो उसके लिए आप इस युगांतर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सबको घर बैठे हुए सूचनाएं प्राप्त होती रहें। दूसरा, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज़ को फॉलो कर लें आप तमाम लोग, क्योंकि वहीं से हम अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए और पहले भुगतान फिर मतदान का जो बहिष्कार का नारा है हमारा, उसको वायरल करने के लिए, चलाने के लिए उसी युगांतर न्यूज़ ट्विटर हैंडल से ही ट्वीट किए जाते हैं। इसलिए उसे भी तमाम साथी फॉलो कर लें। और हमारा जो फेसबुक पेज है 20 करोड़ ठगी पीड़ितों का ग्रुप, उसको भी तमाम साथी ज्वाइन कर लें, चूँकि वहीं से फेसबुक लाइव होकर पोस्ट्स के माध्यम से हम तमाम साथियों को भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाएँ उपलब्ध कराते हैं। और आपके मन में जो सवाल चलते रहते हैं, जो आशंकाएं व्याप्त रहती हैं अपनी मेहनत की कमाई को डूब जाने के कारण, उन पर सार्थक जवाब भी देते हैं विविध प्रमाणों के। इसलिए आप तमाम साथियों को वो फेसबुक पेज और मेरी आईडी मदनलाल आज़ाद, उसको भी फॉलो कर लेना चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बड़ी खबर बता दूँ आपको, खुशी की, कि हमने बाइक बूट टैक्सी स्कैम, हेलो टैक्सी स्कैम, स्ट्रीट हॉक्स स्कैम, ब्लू फॉक्स पिक्चर्स मोशन लिमिटेड स्कैम और राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड स्कैम्स को लेकर के दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दिल्ली के पुलिस आयुक्त और भारत सरकार के वित्त मंत्री से अनुरोध किया था कि वो कम से कम राजधानी दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को क्रियान्वित कर दें, इसके तहत सक्षम प्राधिकरणों का गठन करें, पुलिस को आदेश दें कि वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराओं को उन तमाम ठगी मामलों की एफआईआर में जोड़ें जो 21 फरवरी 2019 के बाद दर्ज हुई हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर ये है कि दिल्ली के पुलिस आयुक्त महोदय ने तमाम जिलों के DCPs को, स्पेशल CP लॉ एंड ऑर्डर्स को, ज्वाइंट CPs को ये आदेश कर दिए हैं कि वो अपने अपने ज्यूरिडिक्शन में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराओं का इम्प्लीमेंटेशन करें और जो भी मुकदमे ठगी मामलों के संदर्भ में हैं उनमें इस कानून की धाराओं को जोड़ा जाए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने गृह डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि वो दिल्ली में अविलंब डेजिग्नेटिंग कोर्ट अपॉइंट करें, सक्षम प्राधिकरण का गठन करें और सक्षम प्राधिकारी अपॉइंट करें ताकि तमाम ठगी पीड़ितों को उनकी मेहनत की कमाई जल्द से जल्द वापस दिलवाई जा सके। उपराज्यपाल महोदय ने भी हमारे पत्र को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को और पुलिस आयुक्त दिल्ली को फॉरवर्ड कर दिया है उचित कार्रवाई करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि अब जल्दी से जल्दी, जैसा कि हम सोच रहे थे या चाह रहे थे कि 2021 के अंत तक दिल्ली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत कंपिटेंट अथॉरिटी, कंपिटेंट ऑफिसर और कंपिटेंट कोर्ट का गठन हो जाएगा, नोटिफिकेशन हो जाएगा और दिल्ली पुलिस तमाम ठगी प्रकरणों में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराओं को जोड़ना आरंभ कर देगी। तो अब ये संभव होता दिखाई पड़ रहा है, बड़ी खबर है, खुशी की खबर है तमाम ठगी पीड़ित साथियों के लिए कि इन तमाम मामलों में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 की धाराएं जोड़ी जाएंगी। तो आप चाहे बाइक बोट, हेलो टैक्सी, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड, स्ट्रीट हॉक्स, टॉप राइड, साइंस सिटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया, नवजीवन, संजीवन, लोकहित,
KBCL, JKV और अपना फ्यूचर मेकर, साइंस सिटी, हमारा वाहन, हमारी सवारी, श्योर गेन और आपका कैची पिक्सल, ऑक्सी 300, येलो बिट, एल्टॉक्स, प्रयाग, आदर्श, रामेल, जिस जिस भी, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी या किसी निगम के या किसी वित्तीय संस्थान की ठगी का आप शिकार हुए हैं, तो आप तमाम साथियों को, न केवल दिल्ली वालों को बल्कि पूरे देश भर के ठगी पीड़ितों को इससे राहत मिलेगी। आपकी मेहनत की डूबी हुई कमाई आप तमाम साथियों को अकॉर्डिंग टू द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपोजिटरी स्कीम्स एक्ट 2019 के तहत 180 वर्किंग डेज में मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। दोस्तों, ये जो आप लोग अभियान चला रहे हैं सोशल मीडिया पर अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन के लिए, और जो नारा लगा रहे हैं कि पहले भुगतान फिर मतदान, ये उसी का प्रभाव है। जो आप लोग मेल भेज रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, रीट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पर पोस्ट लिखते हैं, व्हाट्सएप पर करते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया आप अभियान आप लोगों ने चलाया हुआ है, ये उसका प्रभाव है कि न केवल दिल्ली की सरकार बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और अन्य स्टेट्स की गवर्नमेंट्स भी अब गंभीरता पूर्वक अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन पर विचार कर रही हैं, और तमाम राज्यों में ये कानून लागू होगा। राजस्थान सरकार ने भी तो सक्षम प्राधिकरण, सक्षम अधिकारी और सक्षम अदालतों को नोटिफाइड भी कर दिया है, लेकिन अभी केंद्र सरकार इस मामले में हीला हवाली कर रही है, और जो सेंट्रल डाटा बेस अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत बनाना था सेंट्रल गवर्नमेंट को, जिससे पूरे देश के ठगी पीड़ितों को राहत मिलती, वो अभी तक मोदी सरकार ने नहीं बनाया है, जिससे लगता है कि उनकी नीयत में अभी भी कहीं ना कहीं खोट है, और वो आप लोगों को बहकाना चाहते हैं, भ्रमित कर देना चाहते हैं, और आपकी मेहनत की कमाई को वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से, ठग कॉरपोरेशंस के माध्यम से, ठग कंपनीज़ के माध्यम से और बहुत सारी भिन्न भिन्न तरकीबों के माध्यम से हड़प जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा नहीं होने देना है, चाहे वो मोदी सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, हम किसी भी सरकार को आपकी मेहनत की कमाई की फूटी कौड़ी भी हड़पने नहीं देंगे। ये हमारा संकल्प है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, तमाम एजेंसीज को अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करना होगा, और आपकी मेहनत की कमाई को आपको वापस करना होगा। दोस्तों, किसी भी साथी को अपने मन में ये भ्रम नहीं पालना है कि अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर लागू नहीं होता, या कॉरपोरेशंस पर लागू नहीं होता, या फाइनेंस कंपनीज पर लागू नहीं होता, या चिटफंड कंपनीज पर लागू नहीं होता, या किसी जो ये कंपनी एक्ट है इसके तहत रजिस्टर्ड कंपनीज पर लागू नहीं होता। ऐसा नहीं है दोस्तों, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 उस हर प्रत्येक संस्थान पर, प्रत्येक कंपनी पर, प्रत्येक सोसाइटी पर, प्रत्येक ट्रस्ट पर, प्रत्येक एनजीओ पर, प्रत्येक समूह पर लागू होता है। जो भी अनियमित जमा योजनाएं चला रहे हैं या जिन्होंने लाइसेंस ले रखा हो, भले ही कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से, सेबी से, आरबीआई से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, बीमा नियामक प्राधिकरण से, नाबार्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से या कहीं से भी, यदि उन्होंने जमा योजनाएं चलाने का लाइसेंस भी ले रखा है और उस जमा योजना में प्राप्त धन को या आपके द्वारा जमा किए हुए धन को कोई भी सोसाइटी, कोई भी कंपनी, कोई भी निगम, कोई भी बैंक यदि उस पैसे का दुरुपयोग करता है, उस पैसे को किसी अन्यत्र स्कीम में कन्वर्ट करता है या किसी अन्यत्र कंपनी को ट्रांसफर करता है या किसी की फर्जी व्यक्ति अपॉइंट करके उनकी सैलरीज पर उड़ाता है या कहीं भी शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करता है या अन्य माध्यमों से कहीं इन्वेस्ट करता है, तो वो अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के दायरे में आ जाता है। उस पर इस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे और इसी एक्ट के तहत उस फर्म के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ, उस सोसाइटी के खिलाफ, उस निगम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। इसी एक्ट के तहत उस पर ट्रायल चलेगा। इसी एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्तियों को सीज किया जाएगा। इसी एक्ट के तहत
उनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी के आदेश होंगे और उनकी चलाचल संपत्तियों को नीलाम करके आपका पैसा दो गुने से लेकर तीन गुना तक वापस किया जाएगा, मैं ब्याज के, मैं जुर्माने के, मैं कानूनी हर्जे खर्चों के। इसलिए कोई भी साथी, चाहे वो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हों, चाहे वो सहारा सोसाइटीज के हों, सहारा इंडिया कंपनीज के हों, किसी फाइनेंस कंपनी के हों, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के हों, ब्लू फॉक्स के हों, कैची पिक्सल के हों या किसी के भी हों, तमाम साथी पूरी ताकत के साथ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के क्रियान्वयन को लेकर के लगातार ट्वीट करें, रिट्वीट करें, फेसबुक पर लिखें, व्हाट्सएप पर पोस्ट बनाएं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पर चैनल बनाएं, यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को फॉलो करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, देश तक, दुनिया तक, तमाम सरकारी एजेंसीज तक, तमाम अदालतों तक आपकी बात पहुंच सके, आपकी पीड़ा पहुंच सके और इसका एक सार्थक परिणाम निकले और आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम आपको जल्दी से जल्दी वापस मिले। दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए तो, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूँगा अंत में कि आप तमाम साथी बिल्कुल निर्भय होकर, तनाव रहित होकर के, निडर होकर के इस अभियान से जुड़ें। 2 अक्टूबर को जो हम गांधी समाधि राजघाट पर सत्याग्रह करने जा रहे हैं, एक दिन का मौन उपवास, उसमें तमाम लोग सम्मिलित हों और उसके बाद जो 1 जनवरी 2022 से वो कंडीशनल है हमारा प्रोग्राम, वो ये है कि अगर 1 जनवरी 2022 से पहले पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और अन्य लोकल अथॉरिटीज तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित भाई बहनों का पैसा वापस कर देती हैं तो हम उस आंदोलन को वापस ले लेंगे, अन्यथा हम 1 जनवरी 2022 से पूरे देश भर के विधानसभा भवनों का घेराव करेंगे, पहले भुगतान फिर मतदान का नारा बुलंद करेंगे और चाहे वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हों, नगर निगम के चुनाव हों, स्थानीय निकायों के चुनाव हों, आम चुनाव हों, लोकसभा के चुनाव हों या MLCs के चुनाव हों, हम तमाम चुनावों का बहिष्कार करेंगे। हमसे मतलब है कि जो भी जमाकर्ता ठगी पीड़ित और निवेशक हैं पूरे देश भर में, जो अब तक के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ हैं लगभग, तो 20 करोड़ मतदाता 1 जनवरी 2022 के बाद तमाम चुनावों का बहिष्कार करेंगे और ये संसार का सबसे बड़ा बहिष्कार आंदोलन होगा। साथ साथ हम सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाएंगे और किसी सरकार के किसी भी आदेश का, किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे। हम सरकारी आदेशों को, सरकारी कानूनों की धज्जियां उड़ाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि वो पहले हमारी मेहनत की कमाई का भुगतान कर दे, उसके बाद हम उसको सहयोग करेंगे, नहीं तो हम उसे लगातार असहयोग करते रहेंगे, उसका बहिष्कार करते रहेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ चलाते रहेंगे। दोस्तों, एक जरूरी सूचना और आप तमाम साथियों को मैं देना चाहता हूं कि जो साथी अभी तक शांत बैठे हैं, जिन्होंने कहीं कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को ज्वाइन किया है, वो तमाम साथी अपनी कानूनी कार्रवाई कंप्लीट अवश्य कर लें, अपने क्लेम अवश्य दाखिल कर दें। अगर वो स्वयं नहीं कर सकते तो ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेम्बरशिप ज्वाइन कर लें, ले लें। ऑल इंडिया बाइक बुक टैक्सी यूनियन आपके क्लेम, आपकी शिकायत को संबंधित अथॉरिटी, संबंधित सरकारों और संबंधित विभागों के समक्ष दाखिल करा देगी। चूंकि यदि आप समय रहते ये काम नहीं करोगे, समय निकल जाएगा, तो फिर आपके पास हाथ मलने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहेगा। आपकी डूबी हुई मेहनत की कमाई को ठग और ठगों के आका मिलकर हड़प जाएंगे। इसलिए तमाम साथी अपनी अपनी शिकायत, अपने अपने क्लेम अवश्य दर्ज करा लें, चूंकि आपका पैसा सुरक्षित है, ये डूबेगा नहीं। जो भी कानूनी कार्रवाई करेगा या ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन की मेंबरशिप लेगा, उसकी मेहनत की कमाई हुई रकम उसे 101% अवश्य ही वापस मिल जाएगी देर सवेर। ये नहीं कहा जा सकता अभी कि 2 महीने में मिल जाएगी, 3 महीने में या 1 साल में या 2 साल में, लेकिन मिलेगी अवश्य, निश्चिंत रहें। चूंकि अभी कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिनकॉइन मामले में एक आदेश किया है, आपको पता होगा, नहीं है तो जान लें, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में उस आदेश की तमाम कॉपियां सर्कुलेट कर देता हूं।
उसमें उन्होंने सरकार को आंकी को आदेश किया है और एक कमेटी बनाई है रिटायर्ड जज साहब के, उसमें कि वो तमाम ठगी पीड़ितों से, जो पिन कोड के ठगी पीड़ित हैं, उनसे आवेदन मंगाएं ऑनलाइन और ऑनलाइन ही उनके खाते का ब्यौरा लेकर उनकी जो रकम डूब चुकी थी इस कंपनी में उसको ऑनलाइन वापस कर दें। किसी भी व्यक्ति को परेशान ना करें, कलकत्ता ना बुलाएं, कहीं दूसरी जगह ना बुलाएं, ऑनलाइन आवेदन मंगाएं, ऑनलाइन उनका फंड ट्रांसफ़र कर दें। ऐसा वैसे PACL मामले में हुआ है, सहारा वाले में भी हुआ है, अन्य कई मामलों में हुआ है, लेकिन PACL के मामले में बहुत बड़ी गलती हमारे निवेशक साथियों ने, जमाकर्ताओं ने कर दी कि उन्होंने PACL के खिलाफ कहीं कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराए। साथियों को, अब तमाम लोगों को मुकदमे दर्ज कराने चाहिए PACL के खिलाफ भी, सेबी के खिलाफ भी। ऐसा ही आदर्श क्रेडिट वालों को भी करना चाहिए कि तमाम साथियों को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमे अवश्य दर्ज कराने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अभी 38 महीने हुए हैं, 38 साल भी लग जाएंगी, आपका पैसा कोई वापस नहीं करेगा। चूँकि जो आपको ये एजेंट्स और दलाल बहकाते हैं या कुछ मूर्ख बहकाते हैं कि आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही थी या PACL बहुत अच्छा काम कर रही थी या सहारा इंडिया बहुत अच्छा काम कर रही थी, दोस्तों इनमें से कोई भी अच्छा काम नहीं कर रही थी। अगर अच्छा काम करने की इनकी नीयत होती, ठगी की नीयत नहीं होती, तो ये पोंजी स्कीम्स नहीं चलाती एजेंट्स अपॉइंट करके, एजेंट के नीचे एजेंट, एजेंट के नीचे एजेंट, इस तरह से सिस्टम नहीं बनाती। ये कानूनी तरीकों से अपना व्यापार करती और आपकी निवेश राशि को अन्य अन्य फ्रॉड कंपनीज में ट्रांसफ़र नहीं करती, किसी अन्य स्कीम्स में निवेश नहीं करती और आपकी रकम को नहीं हड़पती, चाहे वो सहारा इंडिया हो, चाहे वो नवजीवन हो, संजीवन हो, चाहे वो धूम केतु हो, ब्रश केतु हो, चाहे वो कोई अन्य कंपनी हो। ये तमाम कंपनीज, तमाम कॉरपोरेशन, तमाम सोसाइटीज ठग थी, इनकी नीयत ठगी की थी, इसलिए इनको किसी को भी बख्शो मत, किसी के बहकावे में मत आओ। इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज अवश्य कराओ, अपने क्लेम अवश्य फाइल करो, तभी आपकी जीत होगी, तभी आपका पैसा आपको वापस मिलेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।